हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में फिर से। देखिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा पैकेट मंगाया हूँ। ये इसमें है सीड्स, जो विंटर फ्लावर के सीड्स हैं। इसमें मैं ये मंगाया था अर्बन गार्डन से। ये डिलीवरी कुरियर से आया है, दिल्ली से आया हुआ है। मैं इनका एड्रेस वगैरह सब दे दूंगा इस वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये मैं कई जगह ढूंढने के बाद मैं देखा कि इनका जो सीड्स का क्वालिटी है अच्छा है, तो एक बार मैं देखता हूँ। उसके बाद में जो जर्मिनेशन होगा, उसके बाद कैसा क्या उसका जर्मिनेशन रेट रहेगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये फिलहाल इस पैकेट को खोल लेते हैं और हम देखते हैं कि इसमें मैं जो ऑर्डर किया था वो सब है कि नहीं। एक बार वही चेक करना है और देखते हैं बाकी अंदर में कैसा उसका पैकेट वगैरह क्या है। ये अंदर में एक और पैकेट निकला है दोस्तों, इसको भी खोल लेता हूँ। पैकिंग तो सेफली किया हुआ है, अच्छा पैकिंग है। इसको हम साइड में रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो छोटा छोटा वायल टाइप का है, इसमें सीड्स है। ये टोमेटो रोजी सीड है, ऐसे ये काफ़ी सारा सीड्स है। देखते हैं मैं जितना मंगाया था सब अवेलेबल है कि नहीं। ये पहली बार मैं इन सेलर से मंगा रहा हूँ, पता नहीं क्या है इनका, सब सही है कि नहीं एक बार देख लेना पड़ेगा। हालांकि जितने हैं इसके ऊपर सारे टैक्स वगैरह दिया हुआ है, तो ये तो बहुत ही छोटा पैकिंग है, पर लग रहा है अच्छा हो, इनका क्वालिटी है थोड़ा अच्छा रहे। ये एक पैकेट है, ये खुला हुआ है, ये इसमें कुछ है ही नहीं। देखते हैं क्या होता है, इसको अलग से रखते हैं। बाकी सब लगभग पैकेट है। इसका मैं पहले सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं सारा बीज निकाल लिया हूँ। ये लगभग मैं 41 वैरायटी का बीज मंगाया था, पर मुझे लगता है ज़्यादा ही बीज है। मे बी वो मिक्स्ड वैरायटी के वजह से अलग अलग पैकेट दिया होगा। और मैंने कुछ यहाँ पे ये पूरा लिस्ट भेजा है उन्होंने। मेरे पास कुछ पैकेट ज़्यादा है। मे बी ये जो मैं रेनिकुलस जो मिक्स वैरायटी कुछ 2 पैकेट मंगाया था, और लिसियंथस 2 पैकेट मंगाया था, मे बी ये सब के वजह से ये कुछ ज़्यादा पैकेट हो रहा होगा। मैं बाद में देख लूँगा। अब इस जो बीज है, आप मैं दिखाता हूँ क्लोजअप करके। ये तो ये जो बीज है, ये बड़ा वाला जो है, ये है दोस्तों नास्ट्रिशियम का। ये मैं पिछले साल लगाया था, इसका मेरे पास बीज भी अवेलेबल है। मैं वो भी लगाऊंगा और ये भी लगाऊंगा, देखूंगा कि कौन सा अच्छा ग्रो करता है, जर्मिनेशन कैसा होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे वाइल्स हैं, इसमें मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसे छोटे छोटे बीज हैं, तो इनको लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप ये पहले भी लगा चुके हैं तो मंगवाइए, नहीं तो आप अच्छा रहेगा। इसका जो छोटे छोटे कोई भी विंटर का छोटे छोटे पौध रहते हैं, वो आप वो भी मंगा सकते हैं, उससे भी ग्रो कर सकते हैं। हालांकि अभी नर्सरी वाले पौध तैयार कर चुके हैं, तो आप वहां से भी खरीद के लगा सकते हैं। अभी कोई देरी नहीं हुआ है, हालांकि बीज से ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 10-15 दिन लग जाएगा, तो वो थोड़ा सा जो है रिस्की हो जाता है। तो ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ और आगे लगा के देखूँगा बीज को कैसा ग्रो होता है, कैसा जर्मिनेशन होता है। उसके बाद मैं एक और डिटेल वीडियो लाऊँगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।